नमस्कार, ओम शांति। अपनी सीरीज में हम बात कर रहे हैं एग्जाम स्ट्रेस की। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तब मुझे एक बहुत बड़ा एस्से याद करके क्लास के सामने सुनाना था। एस्से तो याद कर लिया, लेकिन जब क्लास के सामने सुनाने लगी तो काफ़ी सारा बीच में से भूल गई। आई एम श्योर आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। जनरली स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि जब हम घर में वो क्वेश्चंस करते हैं तो एकदम से आंसर आ जाते हैं, कैलकुलेशंस भी ठीक होती हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में करते हैं तो पता नहीं कैसे ब्लैकआउट सा हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता। बहुत बार रिवाइज करे हुए आंसर्स को भी कई बार हम भूल जाते हैं। एंड द फनी पार्ट इज़ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते हैं तो वही आंसर याद आते हैं। रादर इट इज़ अ वेरी सैड थिंग कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं कि तब क्यों नहीं याद आया जब मुझे याद आना चाहिए था। तो पहले इसको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है, क्या उस टाइम हमारी मेमोरी कमज़ोर कैसे हो जाती है। तो एक रिसर्च भी बताती है कि एक है हमारा IQ, हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, और एक है हमारा EQ, इमोशनल क्वेश्चंट। इमोशनल क्वेश्चंट अर्थात हमारे मन की स्थिति। तो किसी एक पर्टिकुलर मन की स्थिति में अगर हमारा IQ लेवल मान लीजिए 60 है, तो किसी दूसरी परिस्थिति में मन की स्थिति चेंज होने पर वो IQ लेवल 20 तक भी नीचे जा सकता है या 120 तक हाई भी जा सकता है। तो एक स्टडी बताती है कि हमारा EQ के फ्लक्चुएट होने से IQ फ्लक्चुएट होता है। इसीलिए जब आप घर के रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में होते हैं तब आप जो लिख पाते हैं, सोच पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, उतना एग्जामिनेशन हॉल में क्या आपके मन की स्थिति सेम होती है? नहीं होती ना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं तो कैसे थॉट्स आ रहे होते हैं मन में? बहुत सारे थॉट्स, और मोस्टली नेगेटिव थॉट्स। पता नहीं कैसा पेपर आएगा, मुश्किल आ गया तो, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ तो, लेंथी हुआ तो, हाँ, या वो वाले चैप्टर में से आ गया जो मैंने छोड़ कर आया हूँ। ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, और केवल वो थॉट्स ही नहीं आते, हम उनको विजुलाइज़ करते हैं, हम फील करने लगते हैं, हमारे पेट में कुछ कुछ होने लगता है ना, और हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये सारी नर्वसनेस जो हम फील करते हैं वो अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से करते हैं। तो अगर ये नेगेटिव थॉट्स हमारी एफिशिएंसी को इतना कम कर सकते हैं तो क्या पॉजिटिव थॉट्स से हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा नहीं सकते? अब लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कोई नेगेटिव थॉट्स इनवाइट थोड़ी करते हैं, ये अपने आप ही आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे आसमान में जब हम सूरज को देखते हैं तो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन मान लीजिए बादल बीच में आ जाएं तो क्या सूर्य दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज कहीं चला गया है, वो है आसमान में ही, बादल आने के वजह से नहीं दिख रहा। इसी तरीके से जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और स्ट्रेस मन में आने लगता है या नेगेटिव थॉट्स के बादल आने लगते हैं तो आंसर हमको दिखाई नहीं देता। हॉल से बाहर आते हैं, स्ट्रेस के बादल हट जाते हैं और आंसर याद आ जाता है। अब इन स्ट्रेसफुल थॉट्स को एग्जामिनेशन हॉल में भी ना आने दें, उसकी तैयारी हमें ना केवल एग्जाम में एंटर करने से पहले करनी है बल्कि कई दिन पहले करनी है। और उसके लिए हमें नेगेटिव थॉट्स पे काम नहीं करना। अगर कमरे में अंधेरा है तो हम अंधेरे को बाहर नहीं ले जाते, हम लाइट को लेकर आते हैं। हाँ, हम कोई लाइट जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं। उसी तरीके से मन में आने वाले ये नेगेटिव थॉट्स, उसके लिए हमें नेगेटिव थॉट्स पे काम नहीं करना है बल्कि पॉजिटिविटी को लेकर आना है। बहुत दिन पहले से ही अपने उस एनवायरनमेंट को याद करना है, एग्जामिनेशन हॉल को याद करना है, कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, सब कुछ आपको आता है। जब आप इस तरह के थॉट्स कई दिन पहले से जनरेट करेंगे और जब एग्ज़ाम का डे आएगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ये नर्वसनेस, ये नेगेटिव थॉट्स छू भी नहीं पाएगी आपको, और आपको बिल्कुल वैसे ही रिलैक्स्ड माइंड रहेगा जैसे घर पे रहता है। तो आज का सक्सेस मंत्र है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई परफॉर्मेंस, आई नो आई कैन डू इट। जी हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा ही करूँगा, मैं कर सकता हूँ। तो अब एक मिनट अपने लिए। अपने आप से बातचीत करें, अपने मन को तैयार करें,
देखें, आप सुबह बहुत रिलैक्स्ड माइंड से उठ रहे हैं, कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट। आपका पूरा नियंत्रण है अपने थॉट्स पर, अपने मन पर। पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं। हॉल में एंटर कर रहे हैं, अपनी निर्धारित सीट पर बैठते हैं। एक मिनट परमात्मा को याद करें, उन्हें अपने पास बुलाएं। सर्वशक्तियों के दाता आपके ऊपर शक्तियों की बौछार कर रहे हैं। अपने आप को ब्लेसिंग से भरपूर देखें, फीलिंग वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट। और फिर अपना क्वेश्चन पेपर सामने लाएं। आई नो आई कैन डू इट, मेरी पूरी तैयारी है, मैं कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आई कैन, आई विल। विश यू ऑल द बेस्ट। ओम शांति।